हे एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज की वीडियो होने वाली है मीशो ड्रेसेस जो मैंने कुछ ड्रेसेस हैं मीशो से ऑर्डर कर रखी थी जो कुछ मुझे रिसीव हो गई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कुछ है मुझे मतलब जो थोड़ा डिले लग रही है तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूंगी और इनके प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी और बाकी जो मटेरियल है क्वालिटी क्या है वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो दिस इज अवर फर्स्ट आइटम सो दिस इज अवर फर्स्ट आइटम ये वन पीस है और ये ब्लू कलर में सनफ्लावर ब्लैक और व्हाइट कलर के बने हुए हैं स्लीव्स कुछ इस पैटर्न में है इस टाइप से इसका वी नेक है पीछे से प्लेन है सिंपल गला है और एक चीज इसका जो बेल्ट है ना इसमें एक बेल्ट लगा हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं सामने से नहीं दिख रहा होगा पीछे से दिखेगा बेल्ट कुछ ऐसा है यहाँ पे स्टिच है ये स्टिच है यहाँ पर यहाँ पे भी स्टिच है यहाँ पे भी स्टिच है और साइड से यहाँ से खुला हुआ है ये इस टाइप से तो आप इसको लूज टाइट कर सकते हो और सामने इसको मतलब ये काफी लंबा है मुझे ये नहीं समझ आया इसको आगे बंद करना है या पीछे तो वो देखना पड़ेगा मटेरियल रेओन है बट ये रेओन मिक्स है प्योर रेओन मुझे नहीं लग रहा है थोड़ा सा चिकना सा मटेरियल है और इसकी लेंथ है नी से थोड़ा सा ऊपर आएगा नीचे भी आपको यहाँ पर इस टाइप से पैटर्न कुछ मिलेगा यहाँ पर Yeah. बीच में से एक सिलाई है जो पूरी सेम है फ्लेयर्ड है पीछे भी आप देखोगे इस टाइप से इस टाइप से ये नीचे पूरी फ्लेयर्ड है और सामने भी इस टाइप से यहाँ से लेके बीच में एक फ्लेयर्ड ये है ये डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है और नीचे भी ऐसी है सामने से थोड़ा सा कट है थाई के पास में आपको थोड़ थाई से साइड में थोड़ा सा कट रहेगा और ये साइज मैंने मीडियम ऑर्डर किया था और पहनने में अच्छा लग रहा था बट एकदम मस्त कूल सा नहीं लग रहा था पहनने में अच्छा लग रहा था मटेरियल भी था बट एकदम मैंने ये सोच के ऑर्डर किया मुझे रेयन और कॉटन अच्छा लगता है थोड़ा ब्रीदेबल मटेरियल होता है ना इसलिए बट ये इसमें लिखा था रेयन बट ये रेयन मिक्स है कुछ तो ये था फर्स्ट आइटम तो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूं। <laughs> नेक्स्ट है ये ये ग्रीन कलर का है और इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए वन पीस है काफी लंबा है नीचे तक है स्लीव्स आपको हाफ मिल जाएंगे स्लीव्स पे इलास्टिक लगी हुई है इस टाइप से इसकी स्लीव्स है यहाँ पे इलास्टिक लगी हुई है इसका वायर नेक है यहाँ पे भी इलास्टिक लगी हुई है इस टाइप से पीछे से प्लेन है सामने से आपको ये मिल जाएगा बांधने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है ऐसे प्लेन ही छोड़ा हुआ है इसको और यहाँ पर सामने देखोगे तो इस टाइप से यहाँ पे चुन्नट बोलते हैं ना इसको इस टाइप से यहाँ पे सिलाई है इसमें सामने एक पैटर्न है ये इस टाइप से और पीछे से प्लेन है पूरा फुल नीचे तक और सामने से यहाँ पे आपको नीचे जाके आपको राइट साइड में यहाँ पे एक स्लिट मिलेगा मुझे ये लग रहा था मेरे हिसाब से स्लिट थोड़ा सा ऊंचा है थोड़ा नीचे होना चाहिए था मेरे हिसाब से बट बाकी अच्छा लग रहा था पहनने में बहुत ही प्यारा लग रहा था एकदम मस्त लुक दे रहा था कम्फर्टेबल काफी था मटेरियल रेओन है बहुत ही प्यारा मटेरियल है और कंफर्टेबल भी था मैंने ऐसे और भी दूसरे आजीओ या दूसरे उस पे भी देखे थे साइट पे तो वो काफी कॉस्टली थे इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूंगी बट ये 252 से ज्यादा नहीं है और साइज मैंने इसका एम ऑर्डर किया था और ये यहाँ पे आपको कमर तक ऐसा है फिर नीचे से ऐसे एक घेर मिल जाएगा इस टाइप से और नीचे प्लेन है नीचे कोई भी ऐसे डिजाइन नहीं तो ये अच्छा लग रहा था पहनने में और कलर बहुत प्यारा लग रहा था लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था स्नीकर्स वगैरह पे पहनोगे तो अच्छा लगेगा तो ये था नेक्स्ट आइटम अभी मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट है ये नेक्स्ट आइटम है ये और ये भी मुझे रिओन में ही लगा था बट ये रियोन नहीं है मैंने बहुत सारे रिव्यू भी देखे थे लोगों के ये कोई चिकना सा मटेरियल है ऐसे मैंने मीशो से ट्राउजर्स भी बुलाए थे उनमें भी कुछ ऐसा टेक्सचर मटेरियल था कलर बहुत प्यारा एकदम मस्त पिंक लग रहा था और ये कुछ इस टाइप से है नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे गया है मुझे ये और स्लीव्स में आपको इस टाइप से स्लीव्स मिलेगी इसकी थोड़ी सी जुड़ी हुई है सामने प्लेन है और पीछे से स्टाइल है इसमें ये पूरा यहाँ से खुला हुआ है पूरा बैक ओपन है और यहाँ पर लास्ट में आपको ये बांधने के लिए दिया हुआ है ये यह यहाँ पर ये यह इस टाइप से बांधने के लिए दिया हुआ है बाकी पूरा प्लेन है स्ट्रेट है और मटेरियल uh, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कॉटन मटेरियल कॉटन या रिओन तो ये अच्छा लग रहा था कलर वाइज अच्छा है और बट मुझे इसका ये नेक मैं इतना इस टाइप से नहीं पहनती हूँ और मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे लगा था पीछे से प्लेन होगा लेकिन इसमें काफी डीप नेक है तो मैं इसको रिटर्न करूंगी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बट जिसको भी पार्टी वियर टाइप की ड्रेसेस इस टाइप से पहनता है तो वो ले सकता है कुछ ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था प्राइस वाइज भी आई थिंक वन नाइन नाइन कुछ प्राइस था इसका और मैंने इसको मीडियम साइज में ही ऑर्डर किया था तो ये था हमारा नेक्स्ट आइटम अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ सो so, लास्ट आइटम है ये कॉटन का है प्योर कॉटन एक्चुअली मैंने इसमें काफी सारे ऑर्डर किए कर रखे हैं बट मुझे अभी तक ये रिसीव हुआ है तो ये कुछ इस टाइप से है एकदम कड़क जो कॉटन होता है ना वैसा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है मतलब बेबी फ्रॉक टाइप का अच्छा लग रहा था पहनने में काफी कूल लग रहा था ये इस टाइप से इसका नेक है स्क्वायर नेक है दोनों साइड से और स्लीव्स आप देख रहे हो कितनी प्यारी है स्लीवलेस है लेकिन स्लीवस में इस टाइप से चुन्नट वाली स्लीव दी हुई है यहाँ पे ये इस टाइप से आपको स्क्वायर शेप में मिल जाएगा स्लीवस के नीचे थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा था मुझे मैंने इसको मीडियम में ऑर्डर किया था मुझे स्मॉल में ऑर्डर करना चाहिए था और ये आपको नीचे ऊपर आएगा बाकी पूरा प्लेन है सिंपल है और मटेरियल एकदम हंड्रेड परसेंट कॉटन है थोड़ा सा मोटा कॉटन जो होता है ना वो वाला खादी टाइप का कुछ मटेरियल है वैसा वैसा कॉटन एकदम जो चिकना कॉटन होता है वैसा नहीं है और यहाँ पर आपको इस टाइप से फ्रॉक पैटर्न में यहाँ पे कमर के पास में ये डिजाइन मिल जाएगा काफी खुला हुआ है इतना कुछ खुला हुआ है नीचे से वाइट ब्लैक चेक्स हैं तो ये हमेशा ही अच्छा लगता है तो ये अच्छा लग रहा था पहनने में बहुत ही प्यारा लग रहा था एकदम फ्री स्टाइल है मतलब आप कुछ सोचना नहीं है आपको आराम से आप पहन सकते हो कोई बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं एकदम सिंपल भी है और लुक भी बहुत अच्छा है स्पेशली ये मटेरियल ब्रीदेबल होता है तो स्किन फ्रेंडली होता है तो मतलब स्किन में कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होती है इचिंग नहीं होती है हो। फ्री मतलब पहन के छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है टेंशन नहीं है और कहीं से ऐसा कटा पिटा भी नहीं है तो आराम से आप इसको पहन सकते हो बस लेंथ थोड़ी सी कम है उतना मैनेज अगर कर सकते हो तो आप ले सकते हो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है काफी अच्छा लग रहा था पहनने में एकदम बेबी फ्रॉक टाइप का तो ये था लास्ट आइटम सो दैट्स ऑल अबाउट टू वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपको इनमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लगा आप ट्राई ऑन में देख के बता सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा था और ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक करना मत भूलना मैं मिलूंगी आपसे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर